तो गाइस हम रिकमेंड करेंगे रोल ऑन कंपनी के ये चेन लूप, 130 रुपये दाम है और 150 ml का आता है। और गाइस ये मार्केट में तुम खोज लो, जितना खोजना खोज लो, ये तुमको सबसे बेस्ट मिलेगा। रोल ऑन कंपनी का सब कुछ ही बेस्ट होता है। और एक बात, अगर तुमको होंडा की तरफ से बोला गया कि चेन पॉकेट ख़राब हो गया है चेंज करना, तो गाइस होंडा का चेन पॉकेट नहीं लेना है, क्योंकि हम तुमको बता दे रहे हैं उसमें जैसे साइकिल का चेन कट जाता है तो उसमें एक चाबी लगा के उसको फिर से छोटा या बड़ा कर सकते हैं, लेकिन होंडा का ये में वो नहीं होगा। सिर्फ रोल ऑन का जो चेन पॉकेट है उसमें ही ये हो सकता है कि मतलब हम छोटा या बड़ा करेंगे, ठीक है। तो जब तुम ये पॉकेट पूरा डब्बा खोल लोगे, डब्बा खोलने के बाद ब्रश अच्छा से घसना, मिट्टी विट्टी सब छोड़ा देना, उसके बाद ये पूरा बाइक में मेन स्टैंड करके रनिंग करके किसी को बोलना है कि रैप करो, थोड़ा सा रेस देने, गाड़ी जब गियर में देके गाड़ी जब पीछे का चक्का घूमेगा तो पीछे से ये पूरा एकदम स्प्रे कर देना। गाइस मैं बोल रहा हूँ 600 किलोमीटर तक तुम्हारा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चेन अगर पूरा भी ख़राब है तब भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक एंड करता हूँ, होप तुम लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। और नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम लोग को ये, अभी तो मैं कर चुका हूँ कुछ दिन पहले ही, मतलब दुकान से करवाया, मैंने खुद नहीं किया, तो अब मैं घर में ये करूँगा। मुझे मालूम था लेकिन मेरा कुछ प्रॉब्लम था, जल्दी जाना था बोल के मैंने ये दुकान से करा लिया। अब मैं घर में करूँगा वो वीडियो, तुम लोग को ज़रूर दिखाऊँगा। होप यू गाइस लाइक द वीडियो, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, थैंक यू। पहला तो ये नट खोलना पड़ेगा तुमको, इस नट का नंबर है 3x4 और ये नट का नंबर है 3x4, ठीक है। और सेम एक एक रेंच और लेने से ही हो जाएगा, ये दोनों खोलने के बाद पीछे से इसको टांगना, ये दोनों को हल्का सा मेन स्टैंड पे करके दोनों को खोलना, खोलने के बाद चेन खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद गाइस तुम लोग को चेन को एक ब्रश और थोड़ा सा केरोसिन ऑयल या फिर पेट्रोल से घस लेना अच्छा से, मतलब जितना भी उसमें उसमें बहुत डस्ट होगा, उसमें बहुत मिट्टी होगा, तो उसको पूरा क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद और एक चीज़ है वो तुमको उसमें लगाना पड़ेगा। तो गाइस हम रिकमेंड करेंगे रोल ऑन कंपनी का ये चेन लूप, 130 रुपये दाम है और 150 ml का आता है। और गाइस ये मार्केट में तुम खोज लो, जितना खोजना खोज लो, ये तुमको सबसे बेस्ट मिलेगा। रोल ऑन कंपनी का सब कुछ ही बेस्ट होता है। और एक बात, अगर तुमको होंडा की तरफ से बोला गया कि चेन पॉकेट ख़राब हो गया है चेंज करना, तो गाइस होंडा का चेन पॉकेट नहीं लेना है, क्योंकि हम तुमको बता दे रहे हैं उसमें जैसे साइकिल का चेन कट जाता है तो उसमें एक चाबी लगा के उसको फिर से छोटा या बड़ा कर सकते हैं, लेकिन होंडा का ये में वो नहीं होगा। सिर्फ रोल ऑन का जो चेन पॉकेट है उसमें ही ये हो सकता है कि मतलब हम छोटा या बड़ा करेंगे, ठीक है। तो जब तुम ये पॉकेट पूरा डब्बा खोल लोगे, डब्बा खोलने के बाद ब्रश अच्छा से घसना, मिट्टी विट्टी सब छोड़ा देना, उसके बाद ये पूरा बाइक में मेन स्टैंड करके रनिंग करके किसी को बोलना है कि रैप करो, थोड़ा सा रेस देने, गाड़ी जब गियर में देके गाड़ी जब पीछे का चक्का घूमेगा तो पीछे से ये पूरा एकदम स्प्रे कर देना। गाइस मैं बोल रहा हूँ 600 किलोमीटर तक तुम्हारा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चेन अगर पूरा भी ख़राब है तब भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक एंड करता हूँ, होप तुम लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। और नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम लोग को ये, अभी तो मैं कर चुका हूँ कुछ दिन पहले ही, मतलब दुकान से करवाया, मैंने खुद नहीं किया, तो अब मैं घर में ये करूँगा। मुझे मालूम था लेकिन मेरा कुछ प्रॉब्लम था, जल्दी जाना था बोल के मैंने ये दुकान से करा लिया। अब मैं घर में करूँगा वो वीडियो, तुम लोग को ज़रूर दिखाऊँगा। होप यू गाइस लाइक द वीडियो, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, थैंक यू।